इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं और वो है नया आलमी कानून यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करने से पहले वज़ीर आज़म का यह वीडियो एक बार जरूर देखें जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। कहने का मतलब भारत की हुकूमत ने पहले ही यह कबूल किया है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक सहयोगी निजाम को कबूल करके इसकी हिमायत का ऐलान किया है। वैसे तो अक्सर लोगों ने आने वाले खतरनाक दिनों के बारे में पेशिंगोया सुनी है या फिर पढ़ी भी होगी। डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस पर बारह रोशनी डालने की कोशिश की। लिहाजा नए आलमी कानून को तरतीब देने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है जिस पर अक्सर मुल्क राजी भी हो चुके हैं। इस बात से हमें जर्रा बराबर भी ताज्जुब करने की बात नहीं है कि अरब ममालिक के अक्सर हुक्मरान भी इसकी जद में आएंगे। यह वक्त हकीकत में मुसलमानों के लिए बड़ा इम्तिहान का होगा। वैसे तो तमाम आलमी सतह पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस्लाम मुसलमानों को निशाना बनाने की मुस्तकिल तहरीकें चलती रहती है। भारत में भी जब हिंदुत्व सोच और फिक्र में इजाफा होता जा रहा है, यानी कि एक तरह से यह भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा ही कह सकते हैं। खैर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दज्जाली निजाम पर मुबनी है, फहशो हुरियानियत को फरोग देने वाला निजाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना आलमी वबा भी इसी का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि जब लोग गरीब बनेंगे तो इन पर हुकूमत करना आसान बन जाएगा। पहले का दौर भी थोड़ा याद करो कि जब फिल्में देखा करते थे, यानी कि एक दौर था यहाँ भारत में भी और हमारे मुल्क में या रियासत शहर की बात कही जाए तो कि फिल्मों का बड़ा एक क्रेज हुआ करता था। जब हिंदी फिल्मों में या किसी भी फिल्मों में फिल्म का हीरो गरीब रहता था, वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता था। लिहाजा अब तमाम फिल्म स्क्रिप्ट को भी बदल दिया गया, आपको गरीब मजदूर की जगह बड़ा बिजनेसमैन टैकून यानी कि फिल्म का हीरो दिखाया जाता है। आपको टीवी सीरियल्स में भी हकीकत से परे कहानियाँ दिखाई जाती हैं, महंगे कपड़े, महंगी कारें वगैरह। कहने का मतलब जिस तहजीब को यह फरोग देना चाहते हैं इसे बढ़ावा दिया जाता है, इसके लिए अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिल्मी सितारों के जरिए यहूदी सहनवी इल्मनाती तंजीम के आगराजो मकासिद को फरोग दिया जाता है। हाल ही में वज़ीर आज़म मोदी ने जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही इसी की तरफ जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि कोरोना के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लॉकडाउन के जरिए कारोबार को बंद किया जाता है ताकि मईशत तबाह हो जाए। जब इंसान गरीब हो जाता है तो हुकूमतों से सवाल कर नहीं पाता। दुनिया के 150 से भी ज्यादा अमीर खानदानों के अफरादों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए मुंतखब किया जाता है, जिसे ब्लू ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इससे पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हुए कहा था कि इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हमें वॉर ऑन टेररिज्म लड़ना होगा, और इसी नारे के तहत कई मुस्लिम ममालिकों को तबाह किया गया। एक बार इसी बात को वाजा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल कैपिटल तेल अवीव को यरूशलेम को मुंतकिल करने की बात कही, यानी इसे इजाजत देना इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की तरफ था, और इसराइल यानी दज्जाली निजाम का मरकज बनाने की तरफ तमाम कोशिशें जारी रही। यह बात भी काबिले तवज्जो है कि जो भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मुखालिफत करता है उसे डराया धमकाया जाता है, अगर ना माने तो जान से भी मार दिया जाता है। अब तक अक्सर दहशतगर्दी का नाम देकर कत्ल कर दिया गया। 1979 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की किताब लिखी गई थी, वैसे तो इसका प्लान पहले से ही बना हुआ था, जिसमें उन्होंने दज्जाली निजाम के तफसीलात बताते हुए एक लीडर, एक मजहब, एक करेंसी पर अमल करने की बात कही थी। कोई अरब मुल्क इसराइल के सामने सर तस्लीम खम होने पर मजबूर कर दिया जाएगा जो आने वाले दिनों में, जिसकी कई मिसालें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अरब ममालिक के कई सफारतखाने इसराइल में जो बंद थे इन्हें फिर से शुरू कर दिया गया, फैज कामों को आम कर दिया जाएगा। फौजी दस्ते किसी भी मुल्क के इतने ताकतवर न होंगे जो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके।
यानी ये तमाम चीजें इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। अरब मुल्कों को अय्याशियों में मुलव्वस किया जाएगा, औरतों को घरों से बाहर निकालकर मर्दों के शाना बशाना खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। दुकानों शॉपिंग मॉलों में औरतों को ही तरजीह दी जाएगी, जो आजकल देख रहे हैं। औरतों को आजादी के नाम पर जलील और रुस्वा किया जाएगा। इश्तहारात में महज औरतों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। आजाद ख्याली के नाम पर औरतों को भी मर्दों को तलाक देने का नया कानून लाया जाएगा। औरतें घरों में कम और बाजारों में ज्यादा नजर आएंगी। जिनसी आजादी के नाम पर जना को आम किया जाएगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी को इख्तियार करती देखी जाएंगी, जबकि हकीकत पे फितरी तौर पर औरत घर की जीनत है और हया इसका जेवर है। वैसे तो इस बात की शुरुआत हम देख सकते हैं कि किस तरह औरतों का कसरत से बाजारों में घूमना आम हो गया। अब नए कानून औरतों के हक में आएंगे, जिसका सहारा लेकर मर्दों को अदालत का रास्ता दिखाया जाएगा। बुजुर्गों का कौल है कि जब औरत बाजारों की जीनत बन जाती है तो माशरा तबाह हो बर्बाद हो जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कानून के तहत हुकूमतें तय करेंगी कि शादी आपको कब करनी है और कब नहीं करनी है। मर्द मर्द से शादियां और औरतें औरतों से शादियां करना गोया आम हो जाएगा। औलाद की पैदाइश की मंजूरी भी हुकूमत के मातहत होगी। और वैसे भी पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर कानून बनाने की मांग फिलहाल जारी है, लिहाजा औरत जब बाहर की हो जाती है तो बच्चे भी पैदा करने की कुवत खो देती है। फिटनेस के नाम पर बच्चे पैदा करना गोया ऐब समझा जाएगा। तमाम फैक्ट्रियां तिजारतें हुकूमत की मिल्कियत में जाएंगी। किसान खुद के ही खेत में मजदूर बन जाएगा। जिस तरह से अडानी अंबानी जैसे अमीर मुल्क को चला रहे हैं, पूरी दुनिया का निजाम अमीर सरमाएदार चलाएंगे। तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज भी आधार कार्ड के जरिए हुकूमत के जेर निगरानी होगी। अब जिस तरह से तीसरी लहर या फिर इसी तरह से दिगर अमराज का हवा खड़ा कर मईशत को तबाह कर नया कानून पूरी दुनिया पर लागू किया जाएगा। वैसे तो तमाम बातों को हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। दज्जाल के कारिंदों ने दज्जाली निजाम का जाल दुनिया भर में बिछा रखा है। इसके लिए फ्रीमेसन, सहनियत, इल्यूमिनाटी, सेक्लैंड बॉर्नर, ब्रा एंड हेड जैसे कई तंजीमें दज्जाली निजाम को कायम करने के लिए सरगर्म है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुस्लिम माशरा बिल्कुल गाफिल है, इल्मी दानिश और खामोश है। जालिम दंदना रहा है, अपने आप को ईमान के पैरोकार समझने वाले बुजदिल बने बैठे हैं। लिहाजा जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने दीन का काम नहीं किया तो दूसरी कौमों को खड़ा कर दूंगा, इस्लाम में दाखिल होने वालों की कसीर तादाद इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह के दीन को हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमें दीन की जरूरत है। वो तो किसी से भी काम ले लेगा। हमें सोचना है कि हम हिजबुल्लाह के गिरोह में है या हिजबुल शैतान के गिरोह में। हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किस गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। हम कयामत के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं चला कि कैसे आखिरी दौर में दाखिल हुए। आज अक्सर लोग कोरोना वबा को अलग अलग पस मंजर में देख रहे हैं। दज्जाली फितने इसी तरह से नाजिल होते हैं। इंसान की अक्ल इसे कबूल करे या ना करे, पर मौजूदा दौर यकीनन दौर फितन है। मुल्क माशरा दुनिया की फिक्र करने से पहले हम अपने घर वालों की फिक्र करें और सोचें कि हम कहीं दज्जाली निजाम का हिस्सा तो नहीं बन रहे। बहुत सारे लोग इत्तफाक ना रखते हों, पर जिन पेशियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो सच होकर रहेंगे। भले ही सूरज अपनी जगह से हिल सकता है, चांद अपना रुख बदल सकता है, पर फरमान नबी की बातों का एक हर भी गलत नहीं हो सकता। हमने बहुत गफलत बरती है, जरूरत है। दज्जाली निजाम जारी है और हमें हर हाल में बचना है। अब अहम खबरों की तरफ एक नजर। वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन था और वैसे भी इतवार होने की वजह से सड़कों पर महज इक्का दुक्का ही सवारी नजर आ रही थी। हुकूमत की जानिब से हिदायत देते हुए कहा गया था कि जिन्हें वैक्सीन लगवानी है वो लोग भी सड़क पर नजर आ सकते हैं, यानी कि घरों से बाहर निकल सकते हैं। लिहाजा बेलगाम बिम्स को दूर दराज से वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए थे, पर आखिर इन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। एक बार फिर हुकूमत का यह दोहरा रवैया नजर आया कि कहती कुछ है और करती कुछ है। का एहसास हुआ अगर इस रफ्तार से वैक्सीन लगवाना जारी रहा तो कितने महीने या फिर साल लगेंगे, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि मोदी के इस देश में ही वैक्सीनेशन इतना धीरे क्यों है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, सबसे बड़ा कर्जदार क्यों है भारत, सबसे ज्यादा गिरती मईशत भारत की ही क्यों है और सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वाले भारत के ही लोग क्यों है। अब इस सवाल पर जवाब देना बहुत मुश्किल है, पर आज वैक्सीनेशन ना होने पर अवाम में नाराजगी का इजहार देखा गया। अब सवाल यह भी उठता है कि तीसरी लहर का डर भी दिखाया जा रहा है। वैक्सीनेशन को भी नो स्टॉक कहा जा रहा है। अगर वैक्सीनेशन ना होने पर शॉपिंग मॉल और सरकारी दफ्तरों में दाखिला न देने की बात कही जा रही है, लिहाजा आज पूरे जिले में वैक्सीनेशन ना होने पर सवाल तो पूछे गए। आज इतवार को बतौर सरकारी आंकड़ा
पॉजिटिव मरीजों का 143 बताया गया, तो अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 232 रही। कोरोना से मरने वालों की तादाद भी 6 बताई गई। रमेश जारकिहोली किसी तरह से वजारत को हासिल करने की कोशिश में लगे। कुछ लोग अब तक सीडी मामले में रमेश जारकिहोली जेल क्यों नहीं गए कह रहे हैं, तो कुछ लोगों को वजारत की जल्दबाजी, लिहाजा रमेश जारकिहोली बंबई, बेंगलोर, मैसूर के बाद अब दिल्ली दौरे पर निकल पड़े। सीडी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या फिर से वजारत दी जाएगी या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस वक्त उनके भाई लखन जारकिहोली भी साथ में नजर आए। अनलॉक के बाद मुसाफिरों को दूर दराज का सफर भी आसान होता जा रहा है। हुबली हवाई अड्डे से बंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कन्नूर, कोच्चि, गोवा के लिए हर रोज फ्लाइट शुरू कर दी गई। हैदराबाद के लिए जुलाई से हवाई जहाज शुरू होगा, ऐसा भी कहा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह।